मैगी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी मैगी पर बैन लगा दिया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में कार्यवाही करेगा। जहां तक सवाल है इस उत्तर प्रदेश के जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद केंद्र सरकार ने FSSAI ने एक एडवाइजरी इशू किया और उसमें कहा है कि 1 जून तक सभी स्टेट्स इस मैगी न्यूडल्स के बारे में अपने अपने यहाँ पर उनके उनकी चेकिंग करें और उसके साथ उसकी जो स्टैंडर्ड्स की सेफ्टी वाला विषय है उस पर वो अपना रिस्पॉन्स हमें दें। वी विल टेक अ कम्प्लीट व्यू ऑन द पिक्चर और हम इस पर एक्शन लेंगे। एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। हमने हरियाणा में हर जिले से सैंपल उठाकर उनकी जांच करने के आदेश दे दिए और विभाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। सैंपल ले लिए गए हैं, लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और अगर वही है तो ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और इतनी बड़ी कंपनी अगर इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, लोग तो नाम से जाते हैं और अगर ऐसे नाम के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो रहा है और उनका इंटरनल टेस्ट ऐसे नहीं है तो बहुत गंभीर मामला है ये। देखिए, हमारी सरकार जनता के प्रति गंभीर है और कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे जो क्वालिटी में कोई समझौता करने को सरकार तैयार नहीं है, कोई भी नुकसान बच्चों को या जो लोग खाने वाले हैं उनको नहीं होना चाहिए, उस पर कानूनन काम करती है और उसको दिखवाया जा रहा है। वहीं उधर अमृतसर में भी एक निजी स्टोर में प्रशासन ने छापा मारा और मैगी के सैंपल लिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर में मैगी के करीब सभी सैंपल लिए जा चुके हैं और चंडीगढ़ से एक विशेष टीम गठित की गई है। इन सैंपल्स को लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ FSSAI, वी हैव विजिटेड डिफरेंट स्टोर्स एंड वेर एवर वी हैव फाइंड मैगी वी हैव टेकन द सैम्पल्स ऑफ मैगी फ्रॉम दैट स्टोर। अभी ले रहे हैं सैम्पल्स, ऑल काइंड दैट वर अवेलेबल इन द स्टोर। चंडीगढ़ लेबॉरेटरी में भेजेंगे विद इन अ मंथ। जहाँ एक और मैगी पर बवाल मच रहा है, वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में भी मैगी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे लेकिन बुधवार को आई रिपोर्ट में मैगी में कोई केमिकल नहीं पाया गया, जिसके चलते चंडीगढ़ में मैगी को हरी झंडी दे दी गई है। इस मामले पर जानकारी देते हुए चंडीगढ़ के फूड सेफ्टी अफसर का कहना है कि मैगी में जिस तरह केमिकल की खबरें आ रही थी उसके चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने भी 10 दिन पहले 3 मेन डिस्ट्रीब्यूटरों जिनसे मैगी पूरे चंडीगढ़ में सप्लाई होती थी उनके सैंपल लैब में भेजे थे। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है जिससे साबित होता है कि चंडीगढ़ में मैगी में ऐसा कोई केमिकल नहीं है। बावजूद इसके चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग फिर भी अलग अलग जगहों पर छापे मारकर मैगी के सैंपल ले रहा है। बच्चों के लिए सामान लेने आया था कुछ खाने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैगी का क्या? अभी सुना हमने न्यूज चैनल में, ऑलमोस्ट सभी में ही दिखा रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है मैगी में, तो ये सुन के मतलब हम तो रिस्क नहीं ले सकते अपने बच्चों के लिए। केरला में भी ये बंद हो गई है, चंडीगढ़ में भी बंद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से भी आते हैं, ज़्यादातर लोग मैगी का ही यूज़ करते हैं, तो जो इसमें सिम्टम्स पाए गए हैं वो किस उनसे बीमारियाँ फैल सकती हैं, तो जब तक उसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो सकती हो जाती तब तक बंद ही रहनी चाहिए। मैगी अजकल सारे ही मुंडे बना लेंदे है, मतलब कि ईजली होंदी है बनानी, वो 5 मिनट दे विच तैयार हो जाती है तो सारे खा लेंदे है। बड़ा अजकल देखा जाए जिदा और इंडिया दे विच और कंट्री दे विच एक सेस की प्रॉब्लम आ रही है, सेस बनता है ना जेड़ा, उहदे नाल बंदियां नूं कैंसर पैदा हो रहा है, कैंसर पैदा हो रहा है। मैं कहना कि चंडीगढ़ दे विच भी कुछ इदा दा होना चाहिए है, जिहड़ा विभाग होंदा है उहनूं गौर करनी चाहिए है, जांच करनी चाहिए है उन्हें से कि जी मैगी है बंद कर देना। जिस दिन ये थोड़ी प्रॉब्लम जब आई है मार्केट में आई है तो हमने नेक्स्ट डे ही उसके सैम्पलिंग कर दी अपने यहाँ पर, और हमने जो मेन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कंपनी के CNF हैं उनसे हमने सैंपल लिए, कलेक्ट किए और लेबॉरेटरी में भेज दिए टेस्टिंग के लिए।
तो अभी उन्हीं की अभी जस्ट अभी रिपोर्ट हमारे को रिसीव हुई है एंड उसमें तो अभी कुछ नहीं निकला है। मैगी विवाद में अमिताभ बच्चन ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमिताभ बच्चन के अनुसार उन्होंने 2 साल पहले ही मैगी का विज्ञापन करना बंद कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जांच अधिकारियों की तरफ से यूं तो कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई नोटिस मिला तो वह जरूर सहयोग करेंगे। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggie 2 years ago. I don't endorse Maggie anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. वहीं दूसरी ओर लगातार आ रही जांच रिपोर्ट के बाद देश भर में मैगी की मुसीबत बढ़ गई है, जिसके चलते मामले में केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को मामले में अधिकारियों की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई है। केंद्र ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नैना टिक्कर में बिना एनओसी के वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाई जा रही है। वन विभाग भी सड़क बनने की खबर से वाकिफ है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के दबाव के चलते वन विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहा है। ऐसे में स्थानीय विधायक सुरेश कश्यप ने पूरे प्रकरण पर जांच की मांग की है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नैना टिक्कर में बिना एनओसी के वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि वन महकमे को इस बात की खबर नहीं है, मगर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के दबाव के चलते वन विभाग कार्रवाई करने को राजी नहीं है। सूचना मिलने पर जब मीडिया की टीम मौके पर गई, तब तक काम पर लगी जेसीबी मशीन को वहां से हटा दिया गया था, और जब मीडिया की टीम वहां से लौटी तो उसे कुछ ही घंटों बाद दोबारा मशीन काम पर लग गई। और जब इस बात की सूचना डीएफओ राजगढ़ को दी गई, तो उन्होंने मौके पर जाने के बजाय कहा कि उनके पास अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। मेरे ध्यान में एक बात लाई गई है कि नैना टिकर के समीप कहीं पे अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और इसके लिए मैंने वन मंडलाधिकारी राजगढ़ को उचित कार्रवाई के लिए कह दिया है। जबकि मौके पर मीडिया को मिले फॉरेस्ट गार्ड द्वारा बताया गया कि इस बारे में डीएफओ राजगढ़ को अवगत करवाया गया है। ऐसे में यहां वन विभाग की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है। सर, जैसे ही मैं इधर से निकल रहा था तो मेरे को मशीन दिखी और मैंने मशीन को जो है बंद करवा दिया वापस, और लोगों से लिखा के ले लिया, और जो भी लोगों ने मतलब आगे इनका लोगों को पड़ता है या थोड़ा सा हमारा सरकारी पड़ता है जी, और लोगों ने मशीन हटा दी वापस। वहीं पच्छाद के भाजपा विधायक सुरेश कश्यप ने इस पूरे प्रकरण पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों से उन्हें इस बात की जानकारी मिली है और इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। हाँ, नैना टिक्कर किला कलां सड़क का जो मामला है मेरे ध्यान में भी आज आया है, और मुझे भी मालूम हुआ कि वहाँ पे सरकारी भूमि में बिना एनओसी के सड़क बनाई जा रही है। मेरा इसमें यही कहना है कि वैसे हम लोग चाहते हैं कि सड़कें बने, हम भी यही चाहते हैं सड़कें बननी चाहिए, और बिना जमीन के सड़कें नहीं बनेगी, परंतु नियमों को दरकार करके सड़कें बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पच्छाद क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेसी खेमे से जुड़े नेताओं द्वारा वन कटान का काम किया जा रहा है, और वन विभाग पूरी तरह से खामोश है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय खामोश हैं और धड़ल्ले से अवैध काम चल रहा है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज। जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। के साथ हिमाचल प्रदेश में जो कार्यक्रम करने हैं उसको भी करने का मैं आश्वासन देता हूँ। आज जैसा मैंने कहा कि एक 8 मिनट की फिल्म है और एक इंद्रधनुष कार्यक्रम में, इंद्रधनुष इज ए प्रोग्राम वेयर वी आर गोइंग फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इन द रियल सेंस। व्हेन आई टुक ओवर वी वर टोल्ड दैट सम 90 लाख चिल्ड्रन इन पर 2 ईयर्स आर लेफ्ट आउट्स, जिसमें से 20 लाख चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली अनइम्यूनाइज एंड 70 लाख चिल्ड्रन आर पार्शली इम्यूनाइज। तो हमने इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ
इस प्रोग्राम को भी लिया है और रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं और अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी देर इज़ ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कवरेज बट एट द सेम टाइम जो लेफ्ट आउट्स हैं उसके भी दो राउंड्स हो गए हैं जिसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो वो एक वेबसाइट आपको दिखाएंगे और उस वेबसाइट के माध्यम से हम इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, लोगों की सुझाव जो आएंगे उनको हम और उसमें इंक्लूड करेंगे और उसी तरीके से जो हेल्थ मैनेजर्स हैं वो उस एप्लीकेशन को कैसे वर्कआउट करके दे कैन बेटर मैनेज द हेल्थ फैसिलिटीज इन द फील्ड, इस पर भी हम आपको दिखाएंगे। देवभूमि कहलाए जाने वाला हिमाचल प्रदेश एक बार फिर शर्मसार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। धार्मिक समारोह में भाग लेने आई युवती की शिकायत के मुताबिक कथित आरोपी युवक ने किसी बहाने से उसे समारोह से अलग ले जाकर जबरदस्ती की और चुप रहने की चेतावनी दी। पीड़िता की शिकायत के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर बलात्कार की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर हटाए जाने पर जम्मू पुलिस और सिख समुदाय के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। पोस्टर हटाने के तुरंत बाद सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और पोस्टर को वापस अपनी जगह पर लगाने की मांग की, जिसको लेकर सिख समुदाय के लोग भड़क उठे और जो भी पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के हाथ लगा उसे उन्होंने खूब पीटा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हो कि किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस को सड़क पर गिरा कर पीट रहे हैं। हमारा शहीदी दिवस होता है 6 जून को, इन्हें हमने लगाया यहाँ पोस्टर, इन्होंने पोस्टर फाड़ दिया SHO ने। कौन होता है SHO फोटो बनाने वाला, कहते हैं फोटो अंदर लगाओ, क्यों शहीदियों ने सबके सामने दिया और फोटो हम बाहर क्यों लगाए? जो गंदे नाच नचते हैं वो जो गंदे लगते हैं बड़े बड़े फोटो क्यों नहीं फाड़ सकते, कहते हैं जिसकी परमिशन नहीं, जो गंदे फोटो वाले थे उनकी परमिशन नहीं लेते जी। 1984 वाले शहीदों की यादगार के बीच समागम मनाया जाता सी, लेकिन इन्होंने ये इतने साड़ा फ्लैक्स लगे हुए वो उतारिया है, क्यों वो क्यों उतारिया है? और उन्होंने बेद भी की है, उसके अगेंस्ट असं पीसफुल इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि इन्होंने साढ़े उपर यह फायर किया है, ये टीयर फायर किया है, क्यों किया? अज तो पिछले 30 साल तक हो गए सानू ये समागम बनाते हुए पीसफुल असी ये समागम बना रहे हैं, लेकिन अज ही ऐसा केस ही कि जो कि इन्होंने अज इन्होंने प्रोटेस्ट अपना साड़ा पोस्टर क्यों उतारा गया? असं ये चाहते हैं कि जो उन्होंने बेदबी की है वो आके इतने आके सानू न्याय देन, क्यों आखिर के रीज़न है, आखिर पिछे कोई रीज़न है, पिछे कोई कोई वड्डी साजिश आके सामने साडे नाल गल करन? चाहते हाँ कि जो SHO ने जिस SHO ने किया है असं सस्पेंड होना चाहिए। ये सही है कि एक पुलिस का एक ऑफिसर इंजर्ड हुआ है। बेसिकली सिख जो कम्युनिटी है ये RSpura साइड में जम्मू के, वहाँ पर वो कुछ 84 के राइट्स को लेके कुछ रिलीजियस सेरेमनी वहाँ कर रहे थे, तो कोई पोस्टर को लेके कोई ऐसा पोस्टर था जो पुलिस ने ऑब्जेक्शनेबल पाया और उसको वहाँ से हटाया, तो जिसको लेके कुछ लोगों की भावनाएं हर्ट हुई हैं, तो उन्होंने थोड़ा रास्ता बंद किया था एयरपोर्ट के पास, जम्मू एयरपोर्ट के पास, तो उसको अब सुलझा लिया गया है। थोड़ी देर 4-5 घंटे ये बंद ज़रूर चला, लेकिन उसको सुलझा लिया गया है और आई थिंक मामला सेटल हो गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय में सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 2 दिवसीय जॉब फेस्टिवल का आयोजन किया। फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के करीब 400 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में लगभग 15 कंपनियां पहुंची जिन्होंने छात्रों को का जॉब ऑफर की और 100 के करीब छात्र चुने भी गए। वहीं छात्रों ने बताया कि इस तरह के फेस्टिवल से उन्हें बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। जॉब फेस्ट हमारा है ये ख़ास तौर से हमारे लिए एक ऐसा कदम है कि जहाँ पे हम जो स्टेट के यूथ हैं, जो हमारे वैली के यूथ हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, जो उनको वो टैलेंट जो उनके पास है तो उसको निखार के हम किस तरह से उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में
जॉब दिलवा दे। यहाँ पे आज फेस्टिवल लगे फैसले तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से अब मैं भी बेसिकली जम्मू से आई हूँ। मैंने HDFC बैंक को चूज़ किया क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे कि पॉलिसीज बहुत अच्छी वगैरह होती हैं। डेफिनेटली फॉर द फ्रूटफुल फॉर द कंपनी फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। बेसिकली वी आर सीइंग दैट फ्रॉम 2013 उस टाइम से यहाँ पे कोई जॉब फेस्ट तो ऐसा नहीं हुआ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर ऐसे ही जॉब फेस्ट रहेंगे तो ये फ्रूटफुल एक कैंडिडेट के रहेंगे, जो कि हर कोई कैंडिडेट तो जाता है कि अपनी जो जॉब सिक्योरिटी चाहता है। अगर देखा जाए तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर तब ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट दैट टाइम टू गेट ए जॉब इन सम गुड एंड रिप्यूटेड कंपनीज। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है सब कैंडिडेट्स के लिए, और हमारे पास डेफिनेटली काफ़ी टैलेंट है श्रीनगर में, तो ऐसी कंपनीज अगर आती है सामने और हमारे बच्चों को यहां से रिक्रूट करके इनके अच्छी जगह पे प्लेसमेंट्स होती है। यमुनानगर के बुढ़िया चौक पर एक कार सवार युवक पर आधा दर्जन के करीब लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लगभग 4 गोलियां इस युवक पर दागी गई। गनीमत यह रही कि युवक जैसे तैसे बच गया। आरोप है कि दीपक नामक इस युवक ने कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत देकर 11 ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़वाया था जिनमें अवैध माइनिंग को भरकर ले जाया जा रहा था, और उसी के चलते इसमें इसे बार बार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन इस बात से अनजान दीपक अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए जोगाधरी बस स्टैंड पर जा रहा था, तो रास्ते में ही उस पर एक बार हमला हुआ जिसकी सूचना उसने पुलिस को तो दे दी, लेकिन जब वह अपने रिश्तेदारों को छोड़कर बुढ़िया चौक पर पहुंचा तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर कार को कब्जे में ले लिया। झगड़ा चल रहा था जी कहीं 20 दिन पहले से, तो वो कह रहे थे मेरी ट्रालियां पकड़वाई। मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े, भाई जो अगर तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ भाई थारे, मैं भी रेत बजरी का काम करता हूँ जी, तो भाई जो अरजानों में देने के लिए तैयार हो अगर दो आदमी कहते हो भाई, तो वे नहीं माने जी। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, पैर भी पकड़े जी, वे नहीं मान रहे थे। फिर मैं कल अपने मामा जी के घर चले गया, वहाँ से मैं उन्हें अपने मामा जी को ले कर आया, मगर ऐसे ऐसे बात हो रही जी, तो बुढ़िया थाने पर गया सचो जी के पास, तो वहाँ पर बात करके हम निकल रहे थे आगे, हम यहाँ ये भगवानगढ़ जी, भगवानगढ़ आगे शहर पीछे से आए जी, हमारे साथ कुआड़िया गंडासियाँ गट्टे ले रहे थे जी, हम जाकर चनेटी गोमा बड़े जी एक के घर, वहाँ जाकर हम बचे, फिर वहाँ जाकर बूढ़ी SHO को फ़ोन किया जी, SHO साहब ने यहाँ चौंकी में फ़ोन किया जी, यहाँ से फिर गए जो मेहमान थे उन्हें छोड़ कर ये खुद अपना बस स्टैंड पर बस में बैठा गए जी, हम वहाँ से निकल गए थे ये, मैं चौंक पाया जी, चौंक पर पीछे से फायरिंग कर दी जी, दो दो यही रेत बजरी की थी बस और कुछ भी नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? इन्हें फायरिंग करी जी पीछे से। 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को लेकर CBI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने CBI से पूछा है कि गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पर क्या कार्रवाई की। दंगा पीड़ितों ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि टाइटलर ने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की। दंगा पीड़ितों के मुताबिक कैनेडा में रह रहे इस गवाह के रिश्तेदार के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये जमा करवा दिए गए थे। आरोप है कि कैनेडा सरकार ने उस खाते को सीज कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई अब 26 जून को होगी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि CBI यह बताए कि उसने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ क्या कार्रवाई की। जो इंक्वायरी है उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये इंक्वायरी CBI को दी गई है, तो CBI उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि तथ्य उसके खिलाफ जाते हैं कि उसने अगवाई की थी जो 1984 में दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसमें जगदीश टाइटलर की भागीदारी को लेकर कोई, अभी मैं समझता हूँ कि कोई बात बकाया रहती नहीं है जिसकी छानबीन की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि CBI वाले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, और मैं निवेदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री साहब से श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इसके खिलाफ, और राजनाथ जी होम मिनिस्टर साहब के पास कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी जो सजा बनती है इसको दिलवाने में योगदान पाएँ, ताकि सिख समुदाय के जो मन की भावनाएं हैं उनको शांत किया जा सके। देखिए ये जो क्लोजर रिपोर्ट है ना,
ये केस बंद करने की बजाय ये और बहुत से नए जो चैप्टर खोलती है। सबसे पहली बात को टाइटलर ने कैसे कैसे गवाहों को इन्फ्लुएंस किया, उनको खरीदा, फिर कैसे टाइटलर ने हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे बाहर भेजे, वो एक और जुर्म है जो इसमें आता है। तीसरा, टाइटलर ने क्लोजर रिपोर्ट 2009 में कैसे मैनेज की प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ये बाहर आती है। तो ये सभी मामले को देख के ये सीबीआई को अब ये पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो जो गवाह सुरेंद्र सिंह ग्रंथी, वो उसकी डेथ भी अब इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से 84 के दंगों का पूरा मामला चल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों सरकारों की इस पूरे मामले में अंतिम तथ्य तक पहुंचने के लिए और जो असली जिम्मेदार है उन तक जांच पहुंचे, इसके लिए कोई भी नहीं चाहता है। आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनी थी 49 दिनों, हमने SIT गठित करने की सिफारिश की थी। आज तक उस पर किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और जो बनी भी वो ये कि SIT का कोई रेलिवेंस है उस बारे में भी चर्चा की जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी, वो तो चाहती ही नहीं कि 84 के दंगों में किसी को किसी तरीके की सजा मिले। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जब तक इस पूरे मसले पर SIT गठित नहीं होगी, टाइम बाउंड तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनेगी, तब तक इस पूरे मामले में सिखों के साथ किसी तरीके का कोई न्याय नहीं होगा। वो हिंदुस्तान में एक बदनुमा दाग है और उसमें जो लोग भी शामिल हैं उसको बचाने की कोशिश किसी के लिए भी सही नहीं है। CBI एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उसको इंडिपेंडेंट होकर ही काम करना चाहिए, किसी को भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो दावा किया जा रहा है वो कितना सत्य है, उसकी जांच की ज़रूरत है। ताजमहल देखने वाले सैलानियों को जल्द एक तोहफा मिलने जा रहा है। ताजमहल परिसर में इसी महीने की 16 तारीख से फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद करने आ रहे हैं। जो सैलानी ताजमहल देखने जाएंगे उनको पहले 30 मिनट तक मुफ्त में वाईफाई की सुविधा मिलेगी, उसके बाद चार्ज देना होगा, उसके लिए अलग से रिचार्ज करवाना होगा। रिचार्ज की सुविधा ताजमहल परिसर में एक स्टॉल पर मिलेगी। ताजमहल को वाईफाई की सेवा BSNL देगा, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए एक काउंटर खोला जाएगा जहां पर वाईफाई से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उसका समाधान किया जाएगा। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।